26 आयतें हमने सिर्फ वो निकाली थी जिसमें जुल्म और ज़ाती के लिए मुसलमानों को उसकाया गया, सीधा डायरेक्ट, इसलिए वो निकाली थी। पूरे कुरान को चैलेंज इसलिए नहीं किया था कि चलो ठीक है जो तुम कह रहे हो कहते रहो, लेकिन ये तो बहुत गलत है। लेकिन वो अल्लाह की किताब नहीं है। हम तो साफ कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद बहुत इस्लाम में छाप दे, कोई ना कोई छासे में आकर या दबाव में या किसी मजबूरी से इस्लाम को इख्तियार करता। हिंदुस्तान का एक प्रोफेसर जो हिंदू है वो अपने मकाले में लिखता है कि मेरे एक शागिर्द ने, हिंदू शागिर्द ने मुझसे कहा, उस्ताद कुरान का दावा है कि कुरान के 114 सूरों जैसा कोई तीन सूरे, कोई एक सूरा भी लिख कर ले आएगा तो इस्लाम हार जाएगा, हम सब मिलकर एक सूरा क्यों नहीं लिख देते कुरान के मुकाबले का। तो प्रोफेसर कहते हैं मैंने अपने शागिर्द को डांटते हुए कहा खबरदार आइंदा ये बोलना ना, सोचना भी नहीं। कुरान का एक छोटा भाई है जिसे नहजुल बलागा कहते हैं, दुनिया उसका जवाब नहीं ला सकती तो कुरान का क्या जवाब लाएगी। जो है कुरान का मुनकिर जिसे कहते हैं वसीम, जो है कुरान का मुनकिर जिसे कहते हैं वसीम, दौरे हाजिर का यकीनन वो कोरोना होगा।